बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन द डिमांड ऑफ अनिल शर्मा फ्रॉम मंदसौर एमपी स्क्वायर रूट 4+3√2 की वैल्यू क्या होगी जबकि हमारे पास ये चार ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन ये है √2 - √6. सेकेंड ऑप्शन है √2 + √6. थर्ड यहाँ पर सी होगा. फोर्थ रूट √2 - √8 और हमारा ये डी वाला ऑप्शन है √2 + √8. तो इसे सॉल्व करने के हम दो मेथड देखेंगे. अभी पहला मेथड तो इसको हम इस तरफ से चलेंगे और आंसर ढूंढेंगे इनमें से कौन सा है. दूसरे में हम आंसर से लेके यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले तो हम जो वैल्यू दे रखी है 4+3√2 ये वैल्यू इतनी आ रही है यानी विदाउट इस स्क्वायर के आ रही है. तो ये वैल्यू किसी का होल ऑफ स्क्वायर बनेगी. जब ये किसी का होल ऑफ स्क्वायर बनेगी तभी ये स्क्वायर से अनरूट ख़त्म होगा और ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू इनमें से कोई एक वैल्यू होगी. अभी हमें नहीं मालूम है कौन सी इसमें से वैल्यू होगी. तो इसके लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. देखिए हम इसको दो पार्ट में बांट देंगे यानी ये 3√2 है. इसे 1√2 को लिख सकते हैं और इस 2√2 कर सकते हैं. तो ऐड होके ये 1 × 2 × 3 √2 हो जाएंगे और इस 4 को लिखा जा सकता है 2 × 2 की फार्म में हम इसको लिख सकते हैं. और इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं. देखिए √2 को तो एज इट लिखा रहने या स्क्वायर रूट हटा दें यहाँ पर तो पावर 1/2 आ जाती है. या फिर इससे पहले हम इसको लिखना चाहेंगे 2 की पावर में यानी 2 को लिख सकते हैं √2 का होल ऑफ स्क्वायर. और इस तरीके से ये टोटल वैल्यू 8 का √8 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको. तो स्क्वायर रूट √2 है ये ऐसे लिख दिया एज इट. और ये दूसरा 2√2 ऐसे √8 लिख सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है √8 की वैल्यू जो होती है इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2. और ये दो बार है तो स्क्वायर रूट से एक बार बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 जो होगा वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. और फिर हमारे पास है 2 × 2. तो अभी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 16 to the power 1/4. अब ये भी एक सवाल हो सकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं यानी हम जैसे 16 ना लिख के पहले तो 2 कर लेते हैं. 2 की पावर इस 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और होल पावर 1/4 इस तरीके से कर सकते हैं. लेकिन यही सवाल ऐसा क्यों किया क्योंकि हमको आंसर पहले पता चल चुका है और इस तरीके से कि उसके ऑप्शन को देख के हमें आंसर पता चल रहा है. तो आपको भी फिर उसी तरीके से लगाना चाहिए इसलिए हम बाद में इसको ऐसे ही बता देंगे जैसे कि हमने इसको समझा है. तो इस 2 को लिखा जा सकता है रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी. और इस तरीके से 8 को भी लिख लें 8 को लिख सकते हैं 8 को लिखा जा सकता है 8 की पावर ये 1/2 और प्लस 2 × इसको दो पार्ट में हम बांट के लिख देंगे यानी इसको लिख देंगे 2 × 2 × 2 की पावर 3 और होल पावर 1/4 है. तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे अब कि यहाँ पर पावर 1/4 करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर 1/4 करना चाहते हैं इसको. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं यानी 2 की पावर 1/4 कर दें और इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दें क्योंकि ब्रैकेट जब हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा 2 से 4 यानी 1/2 था वो आ जाएगा. ऐसे ही हम इसको भी लिखना चाहते हैं
तो इसको 8 की पावर, क्योंकि जैसा कि हमें आंसर ऑप्शन दे रखे उनमें से एक आंसर नज़र आ रहा था, तो उस फार्म में इसको बदलने की कोशिश की हमने। 1/2 को लिख सकते हैं 1/4, लेकिन पावर 2 कर देंगे यहाँ पर, तो कैंसिल होके वही 1/2 आ जाएगी। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इन दोनों के इंटू का ट्वाइस करके लिख सकेंगे। तो प्लस, क्योंकि 2 इंटू, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी अब हमें इसको यानी 1/4 को दोनों पर अप्लाई कर देना चाहिए, यानी 2 की पावर ये 1/4 हो जाएगा, और इंटू 2 की पावर 3 की पावर भी 1/4 हो जाएगा, यानी दोनों की पावर 1/4 हो जाएगी। ए इंटू बी की पावर, अगर हम लोग जानते हैं कि एन होती है, तो ए की पावर भी एन हो जाती है और बी की पावर भी एन हो जाती है। अब जिस तरीके से ये है वैसे ही इनको बनाना होगा, इनको ये तो हैं दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इस जैसा ये नहीं है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो 2 की पावर 1/4 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 8 की पावर 1/4 का होल हाफ स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1/4, ये तो जैसा लाना था वो आ गया। और इसको मैं ऐसे कर सकते हैं कि 1/4 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 के बराबर होता है, तो 8 की पावर ये 1/4 आ गया, जैसे ये था वैसे ये आ गया। तो इसको अगर हम ए समझें और वो इसका स्क्वायर है, और इसको बी समझें तो इसका स्क्वायर है, प्लस 2 ये ए है और ये बी है, तो इसकी वैल्यू फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है। जैसे पहले ही हमारी प्लानिंग थी कि स्क्वायर रूट है तो होल ऑफ स्क्वायर होगा, तभी वो कैंसिल होके वैल्यू आएगी। तो इसमें तो ये ए की जगह पर कौन है, ए की जगह पर है 2 की पावर 1/4, और बी की जगह पर कौन है, 1 की पावर 1/4 है। तो इस पूरे को हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस ना लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ओनली बचेगा 2 की पावर 1/4 प्लस 8 टू द पावर 1/4। और इसका अगर हम फोर्थ रूट हटाएंगे तो ये 1/4 हटाएंगे तो इसमें फोर्थ रूट हो जाएगा 2, और प्लस फोर्थ रूट 8 हो जाएगा। तो इसको हम आंसर से भी निकाल सकते थे, यानी हमें इसका होल ऑफ स्क्वायर करके देखना चाहिए था, और होल ऑफ स्क्वायर करके देखें क्या इतना आएगा। तो मतलब आंसर तो आ गया, लेकिन हमें आंसर पे पहुँचे कैसे, लेकिन हम देखेंगे कि जब हम स्क्वायर करेंगे इनका, तो माइनस वाला तो दोनों ही पहली नज़र में हटा दिए जाएंगे, क्योंकि अगर होल ऑफ स्क्वायर करेंगे दोनों के इंटू का ट्वाइस माइनस आएगा, तो वो यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो लेकिन फिर भी हो सकता है कि कैलकुलेशन हो के कि प्लस में से माइनस हो के प्लस आ गया हो, तो इसलिए यहाँ पर नज़र आ रहा हो, फिर भी तो हम इसको होल ऑफ स्क्वायर करके देखेंगे। तो जब इसका होल ऑफ स्क्वायर किया जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 का होल ऑफ स्क्वायर, तो इतना हमें जो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर इतना मिलना चाहिए अगर ये सही है इसका ऑप्शन तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, दूसरे के स्क्वायर करेंगे 6 आ जाएगा, और माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस करेंगे तो 2 इंटू, ये माइंड में कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 8 टाइम ज़्यादा लग रहा है, और ये स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। तो 8 माइनस का, क्योंकि ये यहाँ पर शायद टाइम का ही ज़्यादा फैक्टर होगा, सवाल तो सिंपल है, और इसे कह सकते हैं 2√3 कर लेंगे, तो ये 8 माइनस 4√3 होना चाहिए, तो यहाँ पर इतना नहीं है, बल्कि हमारा तो ये वैल्यू है ब्रैकेट में, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला तो आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से हम सेकेंड को, और जब हम इस वे 4 को हमने चेक किया, यानी 4√2 और प्लस 4√8 की का होल ऑफ स्क्वायर किया, तो हमें ये वैल्यू मिल गई, इसलिए हमने इसको इतना कर दिया, क्योंकि इतना माइंड हम लोग नहीं लगा पाएंगे कि इसका होल ऑफ स्क्वायर इसकी वैल्यू को एक तरफ से चले हम दूसरी वैल्यू को निकालने, क्योंकि हमें पता था हमें आंसर ये इतना लेके आना है, तो हमने फिर इतना माइंड लगा के यहाँ तक पहुँच गए। तो इसका होल ऑफ स्क्वायर करके देख लेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पर 4√2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4√8 का स्क्वायर करेंगे, और फिर प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स 4√2 × 4√8। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कि ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वही मिल रही है क्या। तो इस सबसे पहला काम तो ये करें, स्क्वायर रूट 4√2 हटा दें तो पावर 1/4 हो जाएगी, तो पावर उसकी 2 हो जाएगी, ऐसे इसमें भी 8 की पावर 1/4 उसकी पावर 2 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू इसमें भी हटा दें इसमें तो 2 की पावर 1/4 हो जाएगी, और इधर में 8 की पावर 1/4 हो जाएगी। तो
तो इसे ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कट के 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये कट के 1/2 आ जाएगी पावर, और यहाँ पर जो कि पावर दोनों की सेम है तो आप मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों को इंटू करके लिख दिए पावर, होल पावर इतनी कर दीजिए। और ये हमारा जो है हो जाएगा √2, इसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। ऐसे ये 8^1/2 को भी √8 लिख सकते हैं, और उसके बाद था प्लस का 2 इंटू ये 16 हो जाएगा, और 16 की पावर हो गया 1/4 हो गया। अब आपको ये पता है कि 8√8 को जो है हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर दिखाया था, √8 को 2√2 लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। और 2 इंटू अब इस 16 को लिख सकते हैं 2^4, और इसकी पावर है 1/4, तो ये 2 टाइम्स 1 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएगा √2 प्लस 2 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, 2^1 हो जाएगा, और 2^1 जो 1 यानी 2 इंटू 2 ही हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू आ रही है वो वही है, यानी 4 पहले लिख दीजिए और ये बाद में, तो यही वैल्यू है जो यहाँ पर हमें ज़रूरत थी। तो इस तरीके से ऑप्शन को देख के भी इसका स्क्वायर करेंगे, इसके अंदर की वैल्यू आ जानी चाहिए, तो वही हमारा ऑप्शन होगा। लेकिन ये अगर मतलब हमने तो आपको डिटेल में दिखाया, ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड में करेंगे तेज़ी से, तो ऑप्शन कुछ ही सेकंड में ऑप्टेन कर लेंगे जैसे कि हमने पा लिया था, और इसका सोल्यूशन निकाल सकेंगे। इस तरफ से लेके और इसको सॉल्व करके ये चलना कंपटीशन के एग्ज़ाम में मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव को लेके आप देखिए, और यहाँ से पहले इस नज़र में जो है माइनस वाला आप रिजेक्ट कर देंगे कि उन दोनों को इंटू का ट्वाइस, फिर अगर ये ना आए तो हो सकता है कि यहाँ पर हो जाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही निगेटिव है तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव में से निगेटिव होके पॉजिटिव बन सकता है, तो इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव नज़र आ सकता है। लेकिन हालांकि ऑप्शन हमारा ये 4th वाला यानी डी सही है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखरु दावाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।